दोस्तों, जब भी हम सुंदर तितलियों को देखते हैं तो इन्हें पकड़कर उनके साथ खेलने को मन करता है। आइए समझते हैं तितली जन्म कैसे लेती है। एक तितली अपने जीवन चक्र में तीन चरण से होकर गुजरती है, लार्वा, प्यूपा तथा एक अयस्क तितली। सबसे पहले एक मादा तितली अपने अंडों को किसी पेड़ या पत्तों पर देती है। तितलियों की प्रजाति के अनुसार ये अंडे अलग अलग रंग के होते हैं। फिर उन अंडों से लार्वा निकलता है, जो सबसे पहले अंडे की खोल को खाता है, फिर धीरे धीरे पत्तियों को खाना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप अदर कंट्री से हैं तो कमेंट करना ना भूलें। यह लार्वा अपना स्किन दो से तीन बार बदलता है, फिर यह लार्वा प्यूपा बनने की स्थिति में चला जाता है। प्यूपा में पूरी तरह कन्वर्ट होने के एक से दो हफ्ते बाद उनमें से एक अयस्क तितली का जन्म होता है।